सब्सक्राइब कीजिए राधाज किचन चैनल को सभी रेसिपीज की जानकारी के लिए और बेल आइकन बटन को दबाएं ताकि आपके पास हमारी सभी रेसिपीज की जानकारी सबसे पहले पहुंच पाए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राधा है। राधाज किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बना रहे हैं बथुआ के पराठे। यह एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, कैल्शियम और आयरन से भरपूर है। इसको बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यह सिर्फ सर्दियों के 2-4 महीने में ही बनाए जा सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो फ्रेंड्स बनाते हैं बथुआ के पराठे। बथुआ के पराठे बनाने की सामग्री इस प्रकार है। ये मैंने बथुआ ले लिया है, ये 200 ग्राम बथुआ है साफ़ करने के बाद, और मैंने इस तरह से साफ़ कर लिया। इसकी हार्ड वाली डंडी, जो मोटी डंडी है, वो हटा दी है और सॉफ्ट वाली रख ली है। ये बिल्कुल हरे धनिए की तरह होता है, बहुत ही जल्दी गल जाता है। तो ये साफ करने के बाद 200 ग्राम बथुआ है मेरा, जितना बथुआ लिया है मैंने उतना ही आटा लूँगी। ये 1 इंच अदरक को मैंने छील लिया है, 4-5 हरी मिर्ची हैं और 12 से 15 लहसुन की कली हैं, इनको मैं दरदरा पीस लूँगी। 50 ग्राम बेसन है जो छान लिया है, 1/4 टीस्पून हींग है, 1 टीस्पून धनिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है। आप लाल मिर्च और हरी मिर्च अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्वाद अनुसार नमक है। अब बनाना शुरू करते हैं बथुआ के पराठे। मैंने भगोनी ले ली है, इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया है और ये उबल गया है। मैंने गैस का फ्लेम हाई कर रखा है और पानी आप उबलता हुआ देख सकते हैं। अब मैं इसमें इस बथुआ को डालूंगी इस तरह से। ये मैंने बथुआ इसमें डाल दिया है, सारा बथुआ इसमें डाल दिया है। अब इसको मैं ढक के 1 उबाल तक ही सिर्फ सॉफ्ट करूंगी, थोड़ा ज़्यादा नहीं उबालूंगी। अगर ज़्यादा उबालूंगी तो इसके सारे पोषक तत्व नष्ट हो जाएंगे, तो इसलिए मुझे सिर्फ 1 उबाल तक ही इसको उबालना है, ज़्यादा नहीं उबालना है बिल्कुल भी। और मैं इसको अब ढक देती हूँ। मैंने बथुए को सिर्फ 1 उबाल तक ही बथुए को उबाला, 1 ही बार उबालाया और गैस को तुरंत बंद कर दिया और 5 मिनट तक इसको ढक के रख दिया। 5 मिनट बाद मैं इसको पानी में से निकाल लेती हूँ, पानी को फेंक देती हूँ और इसको बथुए को चन्नी में निकाल लेती हूँ और निकाल के दिखाती हूँ आपको। मैंने बथुए को पानी में से निकाल लिया और इस चन्नी में रख लिया। अब मैं इसको पीस लेती हूँ। पहले मैं मिक्सी में मेरी ये सब अदरक लहसुन और मिर्ची को पीस लेती हूँ। ये अदरक, ये मिर्ची और ये लहसुन सारे इसी में पीस लेती हूँ। इनको थोड़ा इसी में मैं हींग भी डाल देती हूँ, इसी में मैं धनिया डाल देती हूँ, इसी में मैं लाल मिर्ची भी डाल देती हूँ और इसी में नमक डाल देती हूँ और थोड़ा सा पानी मिला के, बिल्कुल थोड़ा सा। और अब मैं इसको पीस लेती हूँ। अब मैंने इसको इस तरह से पीस लिया है, ये ज़्यादा फाइन नहीं है, दरदरा ही है। ये दरदरा पीसा है मैंने इस तरह से, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल दरदरा मसाला मैंने पीस लिया है। जिस जार में मैंने मसाले पीसे थे उसी जार में मैंने बथुआ को रख लिया और इसको भी मैं एक बार पीस लेती हूँ। अब ये बथुआ भी मेरा इस तरह से पिस गया है, अब मैं इसको भी निकाल लेती हूँ। मैंने जितना बथुआ लिया था उतना ही आटा ले लिया है, आटे को छान लिया है। अब मैं इसमें डालती हूँ बेसन, जो मैंने बेसन आपको दिखाया था, ये 50 ग्राम बेसन है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, ना चाहें तो ना डालें, क्योंकि इसमें बेसन डालने से बहुत अच्छे पराठे बनते हैं। हमारे घर वालों को तो बेसन डाल के पसंद है, वैसे बेसन ना डालें तब भी ये पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। अब ये सारे मसाले जो मैंने मिक्सर में पीस लिए थे मिला के, ये डाल देती हूँ इसमें। ये भी डाल दिया। अब ये बथुआ जो मैंने पीसा था मिक्सर में वो भी डाल दिया। अब मैं इसको मिलाना शुरू करती हूँ। अब मैं इसको हाथ से मिलाना, आटे को गूंदना शुरू करती हूँ, इसको मिलाना शुरू करती हूँ इस तरह से। अब ये मैंने आटा गूंद लिया है, इसको ज़्यादा सॉफ्ट आटा नहीं गूंदना है, थोड़ा टाइट सा ही गूंथना है, क्योंकि इसमें बथुआ डला है तो इसलिए सॉफ्ट अपने आप हो जाएगा। तो अभी मैंने गूंथ लिया है और इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ ढक के। आटे को 15 से 20 मिनट हो गए हैं, आटा सेट हो गया है। अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। ये देखिए आटा मेरा सेट हो चुका है, सॉफ्ट हो गया है। मैंने उस आटे में से 1 अमरूद के बराबर का ये गोला तोड़ लिया है। आप जितनी बड़ी रोटी बनाते हो उतना तोड़ लें, मैंने अमरूद के बराबर लिया है। अब मैं इससे लोई बना लेती हूँ।
अब मैंने इसका गोल पेड़ा बना लिया है। अब मैं इसको आटे में डिप कर लेती हूँ। ये मैंने सूखे आटे में इसको डिप कर लिया, ये सूखे आटा लपेट लिया इसमें। अब मैं इसको बेल देती हूँ, फिर से आटा लपेट लेती हूँ और इस तरह से मैंने एक ये गोल पराठा बना दिया। अब आप इस तरह से गोल भी बना सकते हैं, ये तो मैंने आपको गोल बना के दिखा दिया। अब मैं इसको रख लेती हूँ। अब मैं एक आपको ट्राइंगल और बना के दिखाती हूँ। ये फिर मैंने अमरूद के बराबर आटा ले लिया। अब मैं इसका पेड़ा बना लेती हूँ। ये पेड़ा बन गया इस तरह से। अब इसको आटे से डस्ट कर लेती हूँ। ये मैंने सूखा आटा लगा लिया। अब मैं इसको बेल लेती हूँ इस तरह से। अब मैंने इसको बेल लिया ढंग से। अब ये पूरी तरह से बेल चुका है। अब मैंने ये तिल का तेल लिया है। हम तिल का तेल यूज करते हैं ज़्यादातर पराठों में सर्दियों के टाइम पे, गर्मियों के टाइम पे हम तिल का तेल यूज नहीं करते हैं। ये सिर्फ सर्दियों के लिए है। आप चाहें तो तिल का तेल यूज करें, आप चाहें तो रिफाइंड यूज करें, आप चाहें तो घी यूज करें, लेकिन हम सब सर्दियों भर तिल के तेल में पराठे बनाते हैं, तो ये तिल का तेल है। तो मैं इसमें अब इसके तिल के तेल से इसमें इस तरह से तेल लगा लेती हूँ। फिर उंगली से इस तरह से पूरे पराठे पे फेर लेती हूँ इस तरह से। अब इसको मैं इस तरह से कर लेती हूँ। अब फिर दोबारा से इधर भी, यहाँ पे भी ऑयल लगा दिया। अब इसको इस तरह से कर लेती हूँ। अब इसको सूखे आटे में डिप कर लेती हूँ। ये मैंने सूखे आटे में डिप कर लिया। अब मैं इसको बेल लेती हूँ। ये ट्राइंगल पराठा है और वो गोल वाला है। आपको जैसे भी सुंदर लगे आप वैसे बना सकते हैं। बहुत ही इजीली बनते हैं ये, बहुत ही ट्राइंगल देखने में अच्छे लगते हैं और बच्चे भी पसंद करते हैं। और आप जैसा चाहें वैसे बनाएं, चाहे ट्राइंगल बनाएं चाहे गोल बनाएं। ये मैं दोनों तरह के आपको बना के दिखाएं, आपकी जैसी इच्छा हो वैसा बनाएं, ये दोनों तरह से बन जाते हैं। अब मैं आपको सेकना बताती हूँ। अब मैंने ये मेरा नॉन स्टिक तवा नहीं है, ये ऐसा ही साधारण तवा है, इसको गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें ये गोल वाला पराठा डाल देती हूँ। ये डाल दिया मैंने। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा कलर चेंज होगा तब मैं इसको पलटूंगी। अब मैं इसको पलट देती हूँ। थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, अब पलट देती हूँ। देखिए कितने अच्छे से सिकी है। अब मैं इस पर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा देती हूँ। एक साइड पे लगा दिया, अब दूसरी साइड पे लगाऊंगी। गैस का फ्लेम मैंने मीडियम रखा है। आप अपनी आवश्यकता अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कम आँच लग रही है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा से जल रहा है तो कम कर सकते हैं। अब मैं इसको पलट लेती हूँ। ये पलट लिया मैंने, अब इधर भी ऑयल लगा लेती हूँ। इधर भी ऑयल लगा दिया मैंने। अब मैं इसको इस तरह से घुमा घुमा के इसको अच्छे से सेक लेती हूँ। इस तरह से इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर लूँगी, सेक सेक के अच्छे से सेक लूँगी। इस तरह से देखो कितना अच्छा कलर आया, कितना अच्छा सिका है। अब ये मेरा पराठा सिक चुका है। अब मैंने एक प्लेट ली और एक कटोरी ली है। अब मैं ये सिका हुआ पराठा इस कटोरी के ऊपर इस तरह से रखूँगी और सारे पराठे ऐसे रखती जाऊँगी ताकि इसमें से जो ये गर्म गर्म जो प्लेट से चिपके ना और ये पानी छोड़ने से ख़राब ना हो, इस तरह से मैं सारे पराठे इसी के ऊपर रखूँगी। अब मैं ये ट्राइंगल वाला भी डाल देती हूँ। अब इसको थोड़ी देर सिकने देती हूँ। अब मैं इसको पलट देती हूँ। अब मैं इसमें ऑयल लगा देती हूँ थोड़ा थोड़ा बिल्कुल। ये मैंने ऑयल लगा दिया इसमें, अब पलट दिया। अब इधर भी लगा देती हूँ। अब मैं इसी तरह से अच्छे से इसको धीमी आंच पे सेक लेती हूँ इस तरह से ही। ये देखिए कितना अच्छा पराठा सिका है मेरा, एकदम परफेक्ट गोल्डन हो गया है।
इसी तरह से ही आप सेकें। ये बहुत ही हेल्दी डिश है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी वीडियो लेकर फिर से उपस्थित होती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।